नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं शकरकंदी के हलवा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। मैंने 3 शकरकंदी को धो करके और बॉईल कर लिया है। काजू, दूध, बादाम, पिस्ता, शुगर, घी और चिरौंजी दाना। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये हम शकरकंदी को लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। तो पहले हम इधर का ये इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे हाथ से इस तरीके से छील लीजिए, चाहे चाकू से छील लीजिए, हाथ से ही अच्छे से छिल जाता है। तो मैं हाथ से ही छील रही हूँ। ये देखिए एक शकरकंदी हमने छील लिया है और इसी तरीके से सारे शकरकंदी को छील करके हम रख लेंगे। ये देखिए सारे शकरकंदी हमारे छील करके तैयार हो गए हैं। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए एक प्लेट ले लेंगे और हम सारे शकरकंदी को इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमने सारे शकरकंदी को इस तरीके से हमने कट कर लिया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। और अब हम इसमें डाल देंगे घी। एक चम्मच हमने घी लिया है। ये हमारा मेल्ट हो गया है, हमें ज्यादा घी को गर्म नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे बादाम, चिरौंजी दाना और काजू और पिस्ता। सबको हम इसी में डाल देंगे और इस तरीके से चला देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स पक चुके हैं, हमें इतना ही पकाना है, ज्यादा इनको नहीं पकाना है। अब इसमें डाल देंगे शकरकंदी जो हमने काट करके रखी है और इसे भी भून लेंगे और गैस को मंदी कर देंगे। ये देखिए भून चुका है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। हमने इसे कम से कम 3 मिनट तक भूना है इसी तरीके से चला चला कर। अब ये हम डाल देंगे इसमें दूध, जो हमने 1 गिलास दूध लिया था वो डाल देंगे इसमें। अब गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए दूध में। ये देखिए दूध में उबाल आ गई है और कैसे खौल रहा है। हमें इसी तरीके से इसको पका लेना है जब तक पूरा ये दूध सूख नहीं जाता है, तब तक इसे पकाना है। गैस को मंदी कर दिए हैं और इसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा देंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए। हल्की हल्की गुठलियां रहेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तब भी बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा सा दबा देते हैं। ये देखिए दूध सूख चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैं 2 ही चम्मच ले रही हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा शुगर कम खाते हैं, तो इसलिए मैं कम ले रही हूँ। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से ले सकते हैं कम ज्यादा। तो ये देखिए शकरकंदी का हलवा हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी लाजवाब शकरकंदी का हलवा बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।